आइए दोस्तों, एक खेत में बहुत सारे नीलगाय हैं, आखिर ये कौन सी फसल है जो खेत में पड़ी हुई है और सारे के सारे उसको चौपट करने में लगे हुए हैं। थोड़ा जूम करूंगा तो नजदीक आएगा सिस्टम, आप देख सकते हो कुछ पूड़े से पड़े हुए हैं और इनके जो फसल जो है इसके जो फल है शायद इसकी भुट्टियों में लगे हुए हैं। और ये दोस्तों ज्वार की जो भुट्टी होती है ना उसमें पड़े हुए हैं सारे के सारे। अब मैं चारों तरफ आपको दिखाऊंगा दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी करो। एक झुंड है छोटा सा जिसके सदस्य लगभग 18 से 19 हैं, इसमें कुछ नर भी हैं, हालांकि उस तरीके का नर नहीं है जो एक झुंड पर अधिकार बनाए रखता है, छोटे नर हैं जो बच्चों की गिनती में आते हैं और एक खेत पूरी तरह आक्रमण कर चुके हैं। और अगर दूसरी साइड में भी दिखाऊं इधर की साइड, तो यहाँ देखिए आप जो खेत के डोड़े हैं उन डोड़ों पर जो बड़ी बड़ी दूब उगी हुई है उस पर लगे हुए हैं। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि नील गाय कहीं भी सरवाइव कर सकती है, ये कोई भी चीज़ खा सकती है, चाहे फसल के पत्ते हो, फसल की भुट्टियाँ हो, ज़मीन में उगने वाली छोटी घास हो, दूब हो, या बबूल के पेड़ हो, नीम के, पीपल के, यहाँ तक कि आँख और धतूरा भी नील गाय आराम से खा सकती है। नील गाय की ये विशेषता, इसको हर मौसम में, हर क्लाइमेट में, हर जगह, हर तरीके के पानी में, यानी क्योंकि राजस्थान में हमारे यहाँ तो पानी कहीं मीठा कहीं खारा, और खारा भी इतना खारा जो पी नहीं सकते, ऐसी जगह पे इसको जीवित रखने के लिए इसके काम आती है। तो इससे एक सीख जरूर मिलती है इंसान को कि रियली अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर तरीके का भोजन करना आदमी पाना चाहिए। जैसे ये नीलगाय, मैं नीलगाय की ये विशेषता देख कर कि इसको कुछ भी आप डाल सकते हो, कैसे भी कहीं भी पहाड़ों में चली जाएगी तो वहाँ के क्लाइमेट में ढल जाएगी। हमारे यहाँ पहाड़ भी आसपास पहाड़ों में, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में यदि फसल हो जाती है तो ये निकल के पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। आप जानते हो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला भरपूर है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर शेयर कर देना।